मल्ला गांव पिंजौर का 70 वर्षीय बुजुर्ग 2018 सन से बुढ़ापा पेंशन लगवाने बीपीएल गुलाबी राशन कार्ड बनवाने के लिए भटक रहा है। प्रधानमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को गुहार लगाने के बाद भी नहीं हो रहा है काम। देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को गुहार लगाने के बाद भी 70 वर्षीय एक बुजुर्ग मान सिंह मल्ला गाँव पिंजौर का निवासी 2018 सन से अपने परिवार के लिए राशन कार्ड जो गुलाबी हैं और बुढ़ापा पेंशन के लिए इधर उधर भटक कर थक हार चुका है, लेकिन उसका ना तो राशन कार्ड बना है जो कि गुलाबी बनना चाहिए था, नहीं बन पाया है, ना ही इस बुजुर्ग को 60 वर्ष के बाद मिलने वाला सम्मान भत्ता बुढ़ापा पेंशन मिल पाई है। मानसिंह ने बुधवार को बताया कि वह मल्ला गाँव पिंजौर का स्थायी निवासी है, ना ही उसके पास अपना मकान है, ना कोई रोज़गार है, पत्नी को आंखों से दिखाई नहीं देता है, जबकि बच्चे घर में बेरोजगार हैं, उनकी कमाई का कोई साधन नहीं है, फिर भी ना हरियाणा सरकार ना ही भारत देश ने उसके स्थायी भारतीय निवासी का ना राशन कार्ड बनवाया है, ना ही बुढ़ापा पेंशन दी जा रही है। जिसके बाद थक हार कर मल्ला गांव पिंजौर का निवासी सीनियर सिटीजन मान सिंह आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल के पास आप पार्टी के पिंजौर ऑफिस में पहुँचा और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन की नाकामी देखिए, अभी तक उसे सरकारी सुविधाएं और कागजात नहीं मिल पाए हैं और यह देश के लिए बड़े शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल ने कहा कि हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन को इस बुजुर्ग की दास्तां की ओर ध्यान देना चाहिए और इसका राशन कार्ड और बुढ़ापा पेंशन लगा देनी चाहिए। मेरी आयु 70 साल हो गई, मैं 2018 से बीपीएल कार्ड, गुलाबी कार्ड के लिए और बुढ़ापा पेंशन के लिए चक्कर काट रहा हूँ। कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं। एडीसी ऑफिस में गया था, सरपंच ने लिख के दिया था कि इसका बीपीएल कार्ड बना दिया है। उन्होंने कहा भी इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे, आप जहाँ मर्जी जाओ। मैंने अपना एफिडेविट दिया, एफिडेविट के ऊपर कुछ नहीं, ना मेरे पास जगह है ना जमीन है, आंखों से दिखता नहीं, घुटनों से चला नहीं जाता। मैं मजबूर आदमी हूँ और मैं गरीब आदमी, ना क्या करूँ, क्या बच्चों का पेट कैसे पालूँ। मैंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, हरियाणा, गृह मंत्री, नई दिल्ली, वो कहते हैं तो आप जहाँ मर्जी लिखो, आपकी एप्लीकेशन हम डस्टबिन में डाल देंगे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं कहता हूँ कि गरीबों ना अमीरों पे रहम, गरीबों पे सितम, बीजेपी सरकार गरीबों पे ये जुल्म ना कर। मैं लाचार आदमी हूँ इस, और मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूँ। इनके ना प्रशासन सुनने के लिए तैयार है, अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि आप जहाँ मर्जी जाओ, आप हमारे पास डस्टबिन पड़ा है और इसमें डाल देते हैं। बड़े दुख की बात है कि पूरे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी ये बुजुर्ग को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। 70 साल की एज है बेचारा, क्या करे, घर वाली को आंखों से नहीं दिखता, बच्चे जो है अलग रहते हैं, कमाई का साधन कोई नहीं और घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो ये कहाँ जाए बेचारे लोग। लोग परेशान है, सरकार और प्रशासन को इस चीज के जागना चाहिए और जो लोग दुखी है उनके काम करना चाहिए।